साथी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए आपको अवगत कराते हैं दिन भर की चर्चित रही जो खबरें। गोली चलाकर जान से मारने की कोशिश के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस इस मामले में हथियार उपलब्ध कराने वाले सहित चार आरोपी पहले ही कर चुकी है गिरफ्तार। मामले में एक देसी पिस्टल की जा चुकी है बरामद। आरोपी की पहचान लिसना निवासी अमित के रूप में हुई। कोसला थाना पुलिस ने किया अवैध देसी कट्टा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार। गो तस्करों के मामले का एक उद्घोषित आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने पर दुष्कर्म करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के गांव पुराना निवासी सुभाष के रूप में हुई। धारूहेड़ा नगर पालिका कंवर सिंह 4 फरवरी को लेंगे अध्यक्ष पद की शपथ। लोगों की सावधानी से गिरता कोरोना का ग्राफ। रेवाड़ी जिले में मिले 76 कोविड पॉजिटिव केस, जिले में कुल एक्टिव केस 478। कोविड मृतकों के परिजनों के खाते में ट्रांसफर की गई आर्थिक सहायता। योजना के तहत कोविड मृतक के परिजनों को मिलते हैं 50,000 रुपए। सरकार के निर्णय अनुसार प्रशासन की ओर से जिला रेवाड़ी के कोविड से मरने वाले 112 मृतकों के परिजनों के खाते में 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। सीएम विंडो पर 3 माह से शिकायत लंबित सेक्टर 5 के लिए 2.17 करोड़ के अल्टीमेटम पर मुख्यालय से जवाब नहीं। गोकल बाजार ट्रेड्स एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन। शाम दुआ संरक्षक चुने गए। मीटिंग नव निर्वाचित प्रधान विपिन अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई। रेजंगला पार्क समिति के पदाधिकारियों ने SDM को ज्ञापन सौंप की अतिक्रमण हटाने की मांग। कोविड में माता पिता को खोने वाले बच्चों की पालनहार बनी मनोहर सरकार। CM बाल सेवा योजना के तहत मिलेगा 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर। काकोड़ियों में खुला दरबार। 9 फरवरी को प्रातः 11 बजे SDM सुनेंगे जन समस्याएं। DC यशेंद्र सिंह ने कहा PM मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा। रजिस्ट्रेशन की कल अंतिम तिथि। CGM एवं जिला सचिव विधेयक सेवा प्राधिकरण वर्षा जैन ने कहा न्यायिक परिसर में 12 मार्च को लगेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत। DC ने कहा PM किसान परियोजना के लाभार्थी 31 मार्च तक कराएं EKYC। कृषि विभाग EKYC के लिए किसानों को करेंगे जागरूक। गुरुग्राम विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर छात्रों का उग्र हुआ प्रदर्शन। विश्वविद्यालय ने 2 दिन का समय मांगा जिस पर 3 घंटे बाद आंदोलन को किया स्थगित। EPFO ने अपने सभी यूजर्स के लिए जारी किया अलर्ट, जाने वरना हो सकता है भारी नुकसान। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी IGU मीरपुर में परीक्षा की तैयारी। ऑफलाइन होंगी UG PG की परीक्षाएं। IGU ने डेट शीट पर काम किया शुरू। फरवरी मध्य से शुरू हो सकते हैं एग्जाम। रेवाड़ी में इंसो संगठन ने मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। खबर पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब खबर विस्तार से। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर द्वारा इस बार भी ऑफलाइन ही परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसके लिए डेट शीट पर काम शुरू हो गया है। संभावना है कि फरवरी के 3rd सप्ताह से परीक्षाएं शुरू करवा दी जाएंगी। हालांकि सेमेस्टर की शुरुआत में ही परीक्षाएं आरंभ करने की संभावित तिथि 14 फरवरी तय की गई थी। अब विश्वविद्यालय द्वारा इसी शेड्यूल के आसपास से ही परीक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। परीक्षा नियंत्रक सुरेश धनेरवाल के अनुसार और सेमेस्टर के एग्जाम होने हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों के कॉलेजों में पढ़ रहे विद्यार्थी परीक्षा देंगे। विद्यार्थियों का ज्ञापन हर पेपर के बीच 2 दिन का अवकाश हो। IGU के छात्र संगठन इंसो की ओर से वाइस चांसलर प्रोफेसर SK गक्खड़ और रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार भारद्वाज को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष रवि मसीद एवं उपाध्यक्ष राकेश ने कहा कि कोरोना के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित रही है। ऑनलाइन कक्षाएं से भी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है। विद्यार्थियों का सिलेबस भी कवर नहीं हो पाया है, इसलिए पिछले सेमेस्टर में जो SOP UG और PG के लिए थी वही इस बार फिर से लागू की जाए। हर पेपर में कम से कम 2 दिन का अवकाश दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में मनीष, आशीष, अमन, वर्षा, प्रीति, जितेश, अंकित, संजीव व मनीष आदि शामिल रहे। यदि आप चाहते हैं देश प्रदेश अपने शहर व गांव की तमाम
निष्पक्ष खबरों को देखना तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक साथी को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एसीएस सुनीता मिश्रा ने कहा, केंद्र एवं राज्य सरकार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने व किसानों की आय दुगनी करने के लिए कृत संकल्प। पुलिस को दी शिकायत में गांव मंडैया गला निवासी नरेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली रोड पर नहर के निकट बसंत स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट का शटर पर लगे दोनों ताले तोड़े, दुकान से करीब 4,500 रुपए की नकदी सामान में मोबाइल किया गया चोरी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने AIUTUC के बैनर तले ब्रास मार्केट से सचिवालय तक मानव श्रृंखला बना किया विरोध प्रदर्शन। जजपा के जिला अध्यक्ष श्याम सुंदर सभरवाल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को बताया ऐतिहासिक। आपातकालीन स्थिति में आने वाले मरीज के लिए जिले के सरकारी ट्रॉमा सेंटर में अब तक चिकित्सक की कोई नियुक्ति नहीं। सिरसा स्थित उप मुख्यमंत्री आवास पर इंसो के नव नियुक्त जिला प्रधान ज्योति सागवान ने जजपा प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला से की मुलाकात।